अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं परफेक्ट ट्राउजर की कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इस मेथड के साथ आप अगर अपने ट्राउजर की कटिंग करेंगे तो आपका ट्राउजर बिल्कुल परफेक्ट स्टिच होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले हम फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे, निशान लगा देंगे, ऊपर के साइड 2 इंच छोड़ेंगे। इसके बाद हिप की जो चौड़ाई है उसका मेजरमेंट लेंगे। मेरे मेजरमेंट में 15 इंच है तो मैं यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। 18 इंच पर मैं निशान लगा दूँगी। नेक्स्ट हम जो है यहाँ पर अपने क्रॉच लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से हम इसको नाप लेंगे। क्रॉच लेंथ है 15 इंच, तो यहाँ से हमारे फुल लेंथ के पास से हम 2 इंच ऊपर छोड़ते हुए हम निशान लगा देंगे, 1 इंच बढ़ाकर 16 इंच। नेक्स्ट हम हिप के निशान को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम हिप से 2.5 इंच कम कर लेंगे, यानी हमारी जो हिप थी 18 इंच थी, इससे हम 2.5 इंच कम करके निशान लगा देंगे और सीधी लाइन हम नीचे तक ड्रॉ करके क्रॉच के जो कर्व शेप है हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम अपनी जो हिप की चौड़ाई है उसे नाप कर नीचे बॉटम के साइड पर भी हम नाप लेंगे और इसका जो सेंटर है हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। पोंचे को हम मेजर करेंगे, मेरे मेजरमेंट में 10 इंच है तो मैं दोनों साइड पर हाफ ऑफ मार्किंग करूँगी 1 इंच बढ़ाकर, यानी 6 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। हिप की जो लाइन है वहां से हम इस तरह से इन दोनों निशानों को मिलाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है और आसान है, परफेक्ट ट्राउजर की ये कटिंग है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ से मेरा फैब्रिक जुड़ा हुआ है तो मैं इसे अंदर से कटिंग करते हुए तिरछी कटिंग यहाँ से कर दूंगी, और पोंचे पर बॉर्डर होने की वजह से मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया है। अगर आपका पोंचा प्लेन है तो नीचे के साइड पर 2.5 इंच निशान लगा दे। अब हम फ्रंट पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। हिप की साइड से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, फिर 1.5 इंच का निशान लगाते हुए नीचे के साइड पर हम 1 इंच का निशान लगा देंगे, और यहाँ से हम इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर से हम 2.5 इंच कम कर देंगे। ये फ्रंट पार्ट की मैं मार्किंग कर रही हूँ। इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ करते हुए हम अपने जो बैक पार्ट है हम उसको इस तरह से इन मार्क से मिला देंगे। जितने भी हमने मार्क्स यहाँ पर लगाए हैं उस मार्क के बराबर हम इस पार्ट को फिक्स कर लेंगे। अभी हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नीचे वाला जो पार्ट है हमारा फ्रंट पार्ट है और जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा बैक पार्ट है। कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। ऊपर के साइड से हम यहाँ पर 1.5 इंच का फ्रंट पार्ट पर निशान लगाएंगे और तिरछी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ट्राउजर की कटिंग पूरी हो चुकी है, नेक्स्ट हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो स्टिचिंग हम इस तरह से करेंगे, पहले हम फ्रंट या बैक पार्ट को लेंगे और इसकी आसन की हम सिलाई लगा देंगे। दोनों पार्ट्स की हम पहले आसन की सिलाई डबल लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर आसन की सिलाई फ्रंट और बैक की लगा चुकी हूँ। आसन की सिलाई हो चुकी है, नीचे हम अपना एक पार्ट रखेंगे सीधा और इसके ऊपर हम अपना बैक पार्ट रखेंगे उल्टा। यहाँ से हम साइड की सिलाई दोनों साइड पर हम लगा देंगे। तो यहाँ से मैं इसकी सिलाई कर दूंगी, दोनों साइड पर हम सिलाई करेंगे और इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच लगाएंगे क्योंकि ट्राउजर पर टॉप स्टिच बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक सिलाई हम अंदर की साइड से देंगे इसकी और दूसरी सिलाई हम इसकी सीधी साइड करके हम इसके ऊपर से लगा देंगे। तो साइड की सिलाई मैं यहाँ पर लगा चुकी हूँ। नेक्स्ट हम इसकी जो अंदर की सिलाई है हम यहाँ से इसको लगा देंगे। तो यहाँ पर भी हम डबल सिलाई कर लेंगे,
इस तरह से अच्छे से हम इसे फिक्स कर लेंगे। आसन के साइड पर हम पिन अप करके दोनों साइड पर हम सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अंदर की साइड भी सिलाई लगा चुके हैं। नेक्स्ट हम इलास्टिक मेजर करेंगे। जो हमारा तैयार ट्राउजर है उससे हम इस तरह से नाप कर डबल इलास्टिक ले लेंगे और सिलाई के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ट्राउजर की जो ऊपर की साइड है इस तरह से हम क्वार्टर इंच फोल्ड करते हुए पूरे इसके राउंड पर हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सिलाई लगाकर बता रही हूँ। सेमी सी मेथड के साथ आपने भी अपने ट्राउजर की जो ऊपर की साइड है उस पर इसी तरह से बड़ी सिलाई कर दे। क्वार्टर इंच मैं यहाँ पर फोल्ड करूंगी और पूरे वेस्ट राउंड में मैं यहाँ पर सिलाई कर चुकी हूँ। इसके बाद हम इलास्टिक को लेंगे और इलास्टिक को हम ओवरलैप कर देंगे। यहाँ से हम इसे इस तरह से रख कर सिल देंगे। इसे 5 इंच पर हम अच्छी सी पक्की सिलाई हम लगा देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर इस इलास्टिक को अपने ट्राउजर के अंदर रख कर सिल देंगे। तो ये देखिए आसन की साइड पर मैंने इलास्टिक को रखा है और ऊपर से कपड़े को मैं इलास्टिक के ऊपर से पूरा कवर कर लूंगी। हल्का से बढ़ा कर रख कर इस पर हम सिलाई लगा देंगे। इलास्टिक पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह से कपड़े को जमाते हुए हम पूरे वेस्ट राउंड में इलास्टिक स्टिच कर लेंगे। नीचे के साइड की हम सिलाई पूरी करने के बाद हम इलास्टिक को खींचेंगे। खींच के इसे पूरे वेस्ट राउंड में बराबर से हम इसे फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद हम यहाँ पर इलास्टिक के सेंटर की साइड पर एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा जो इलास्टिक है अच्छे से ट्राउजर पर फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर नीचे वाली सिलाई मैंने पूरी कर ली है। नेक्स्ट इसे मैं अच्छे से खींच कर इसके ऊपर सेंटर में एक सिलाई लगा दूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बिल्कुल परफेक्ट ट्राउज़र की कटिंग है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और ये इसकी फाइनल लुक।